जय जोहार, बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। होली से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। साय सरकार ने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया और इसके बाद अब जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो बढ़कर पहुंच गया है 46% तक। वहीं पंचायत सचिवों को हड़ताल की अवधि का वेतन मिलेगा, इस बात का भी आज ऐलान किया गया। जो कर्मचारी हैं उनके सातवें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम साय ने कहा कि उनकी सरकार ने 90 दिनों में कई अहम फैसले लिए हैं, पीएम मोदी की कई गारंटियों को पूरा किया है, किसानों को राष्ट्रीय धान खरीदी की अंतर्राशि दी गई और गरीबों को मकान की राशि जारी की गई। मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं, 2 साल का धान का बकाया बोनस, 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपये दे चुके हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री 4 शहरों को 240 बसों की मंजूरी मिली है। 4 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। इसमें दुर्ग है, भिलाई है, बिलासपुर है और कोरबा है। दुर्ग, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिली है। तो रायपुर से ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 4 शहरों के लिए 240 बसों की मंजूरी मिली है। इन 4 शहरों में यानी दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा बहुत जल्द। अब ये बसें ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती नजर आएंगी। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 4 शहरों को 240 बसों की मंजूरी मिली है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सरगुजा हवाई सेवा को मंजूरी मिल गई है। महामाया एयरपोर्ट दरिमा को लाइसेंस मिल गया है। लंबे अरसे से सरगुजा के लोग हवाई सेवा की मांग कर रहे थे, सरगुजा के लोगों की मांग पूरी हुई, जल्द ये हवाई सेवा शुरू होगी। इससे ठीक पहले आपने देखा कि जगदलपुर से दिल्ली की उड़ान शुरू हो चुकी है दंतेश्वरी एयरपोर्ट से, और अब अंबिकापुर के लोगों की उम्मीदें जो बढ़ी हुई थी अब सरगुजा भी इससे जुड़ेगा। महामाया एयरपोर्ट दरिमा को लाइसेंस मिल गया है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, जगदलपुर की सेवा शुरू होने के बाद उम्मीदें एकदम आसमान पे थी, आखिरकार अब वो भी पूरी होंगी। श्रवण, बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिस तरह से डीजीसीए की टीम कल आई थी और निरीक्षण की थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है दरिमा एयरपोर्ट महामाया से
हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस पर हमेशा की तरह लाइसेंस की प्रक्रिया में बाधा आ रहा था, लेकिन आज जो है ये बाधा खत्म हो गया है। डीजीसीए की टीम ने लाइसेंस महामाया एयरपोर्ट को दे दी है और यहाँ से अब घरेलू जो विमान सेवा है उसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी। सरगुजा वासियों की हमेशा से ही ये मांग रही है हवाई सेवा को लेकर के, क्योंकि जो सरगुजा है यहाँ के जो लोग थे वो हवाई सेवा के लिए या तो रायपुर जाते थे या बनारस या फिर रांची जाना पड़ता था, काफी दूर होना पड़ता था। ऐसे में जो मेडिकल के मरीज रहते थे उनको असुविधा होती थी और काफी लंबे वक्त से ये मांग रही है कि ये महामाया एयरपोर्ट को किसे हवाई सेवा की शुरुआत की जाए, जिसको लेकर के काफी वक्त से चल रहा था। कांग्रेस की सरकार के समय भी ये इसके लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर के की जा रही थी, लेकिन उस पर नहीं हुआ और भाजपा की सरकार जैसे आई है इसको जो है मंजूरी मिल गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, राशन कार्ड बनाने की तारीख आखिरकार बढ़ा दी गई। न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार ने राशन कार्ड बनाने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज राशन कार्ड बनाने की अंतिम तारीख थी, केंद्रों पर भारी भीड़ हो रही थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। रायपुर से बीजेपी उम्मीदवार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय पर हमला बोला है। अग्रवाल ने कहा कि इस बार रायपुर में हाथी और डायनासोर के बीच लड़ाई है, हाथी के लोग पूजा करते हैं और डायनासोर से डरते हैं। मैं विकास उपाध्याय जी को हाथी से भी बड़ा डायनासोर मानता हूँ। नहीं नहीं, वो आपको हाथी कह रहे हैं। नहीं, मैं उनको डायनासोर मानता हूँ। हाथी की लोग पूजा करते हैं और डायनासोर से डरते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। अभी आपने सुना एक बयान, हाथी बनाम डायनासोर। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजमैन ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा किया। बैज के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस अब कभी अपने वादों को पूरा नहीं करती। छत्तीसगढ़ को 5 साल तक कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि देश की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत की सालाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। केंद्रीय नौकरियों में देश की महिला माता बहनों को नौकरी का 50% हिस्सा, आधे हिस्सा महिलाओं को देने का निर्णय किया कांग्रेस ने किया। 5 साल झुंझुना लटका के रखे थे, 36 घोषणाएं की थी, एक भी घोषणाओं का अमल नहीं किया, जनता ने उसका उत्तर ले दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जनता हमारी छत्तीसगढ़ में, वो पूरा समझते हैं, बोलते नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी ने आज महासमुंद सीट को लेकर एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर हमला किया और पूर्व गृह मंत्री साहू को घेरा है। हत्याकांड में मैं क्या भूमिका मेरी थी और नहीं थी उसको भाजपा वाले नहीं जानते। गृह मंत्री के नाते मेरी जो भूमिका थी उसको मैंने पूरी तौर पर अदा किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दुष्प्रचार करती है, भ्रामक स्थिति निर्मित करती है, लोगों को गुमराह करती है। चुनाव लड़ना है, सैद्धांतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, दुष्प्रचार करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो चरित्र में होगा वही चित्र में आएगा। कांग्रेस की सरकार में जब गृह मंत्री के रूप में ताम्रध्वज साहू थे, उस समय बीरनपुर में एक साहू समाज के व्यक्ति की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। उस समय वो खामोश हो जाते हैं। आखिर जिहादियों को किनका संरक्षण था, क्यों उस पर बड़ी कार्यवाही नहीं की गई? आखिर ये सब उनके किए गए कार्य आज
चित्रांकन के रूप में उनके लोकसभा क्षेत्र में उजागर हो रहे हैं। तो पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। इससे पहले बीजेपी ने भूपेश बघेल, शिव डहरिया, ज्योत्सना महंत और विकास उपाध्याय का पोस्टर जारी किया। पोस्टर जारी कर विकास उपाध्याय पर निशाना साधा, ज्योत्सना महंत को लापता बताया, शिव डहरिया पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया, भूपेश बघेल के पोस्टर में जिहादी गिरोह का झंडा दिखाया। कल हो सकती है छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा। एआईसीसी के सचिव विकास उपाध्याय ने बयान दिया है कि कल छत्तीसगढ़ की जो बाकी पांच सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है। छत्तीसगढ़ की सीटें जारी हुई, असम की, तेलंगाना की, केरल की, गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग उत्तराखंड की, अलग अलग प्रदेशों की सूची रोज जारी हो रही है। सीईसी में टिकटें पर डिस्कशन होता है, उसके बाद टिकट फाइनल होती है। तो कांग्रेस पार्टी की उन पांच सीटों पर भी सब डिस्कशन हो चुका है और कभी भी सूची एक साथ जारी होना, इसलिए कभी भी सूची जारी हो सकती है। इधर महासमुंद में कांग्रेस को झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बसना जनपद अध्यक्ष रुक्मणी पटेल बीजेपी में शामिल। लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमार चौधरी के सामने बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। निशान बने हैं, जो बीजेपी लिखी है वो मोर निशान है और मैं ही लोकसभा की चुनाव लड़ा दूंगा। जैसा आप अपेक्षा कर रहे हैं वैसा ही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली। अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव है, उसके जो पुलिस प्रशासन के लेके बहुत सारे विषय रहते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, पहले 72 घंटों में जो कार्रवाई करने की स्थिति, और चूंकि छत्तीसगढ़ जो है संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है खासतौर पे बस्तर का, तो वहाँ के जो प्रबंधन है उसके बारे में भी कुछ ट्रेनिंग और कुछ निर्देश जारी करना था, क्योंकि सीआरपीएफ की फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे हमारे प्रदेश में आने की संभावना है, तो उसके व्यवस्था, उसके जो मानदेय का पेमेंट है और कंपेंसेशन भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह से उसको तत्काल देना है, उसके लेके जो विषय थे उसमें आज ट्रेनिंग दिया गया है। उनको सभी एसएसपी, एसपीज और एडिशनल एसपीज और पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित हैं। इधर महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 57 लाख के गांजे के साथ दो गिरफ्तार किए गए। कार की डिक्की में छिपाकर तस्करी कर उड़ीसा से खेप लाई गई थी, जिसे सिंघोड़ा थाना इलाके में पुलिस ने पकड़ लिया। कार की डिक्की में 57 लाख का गांजा, दो गिरफ्तार।